सॉल्व एक्स इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट्स एक्स प्लस 10। दे टोल्ड अस टू सॉल्व, सो वी शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट द गिवन इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू 4/5 एक्स प्लस 10। ओके, नेक्स्ट। नाउ इन दिस इक्वेशन फर्स्ट वी शुड गेट रिड ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज 5। नाउ टू गेट रिड ऑफ दिस डिनोमिनेटर 5 वी शुड मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। सो हियर वी गेट 5x इक्वल टू, हियर दिस कैंसल आउट, यू आर लेफ्ट विद 4 टाइम्स x प्लस 10। नाउ हियर यू शुड ओपन अप द ब्रैकेट इन दिस वे, सो 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 10 40 एंड हियर 5x। नाउ ऑल द एक्स टर्म्स ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन अनदर साइड। वॉट आई मीन इज 4x शुड नॉट स्टे ऑन दिस साइड, सो टू रिमूव 4x फ्रॉम हियर यू सब्ट्रैक्ट 4x on both sides. So now 5x minus 4x is 1x equal to, here 4x minus 4x cancel out, you are left with 40. 1x is nothing but x, x equal to 40. So this is our answer. Am I clear?